विनर विनर लूटो। संडे तो ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और संडे की रूटीन शेयर करूंगी। एक तरफ मैंने रख लिया चाय, दूसरी तरफ तवा रख लिया है, ये दूध है, यहाँ पे मैं रोटी बेल रही हूँ, हस्बैंड के लिए मैं पराठा बनाती हूँ और खुद मैं सिंपल रोटी खाती हूँ। तो कोशिश करूँगी आपसे तमाम रूटीन शेयर करूँ एज इट इज़। तो शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा। ये मैं नया पैन लिया है अंडे बनाने के लिए, छोटा सा है लेकिन अच्छा है, इसमें अंडे जो है सही बन जाते हैं। और ग्रीन कलर का मैंने लिया है और यहाँ पे जी पराठा बन रहा है। तो ये मैंने कहा आपसे शेयर करूँ और इसकी प्राइस थी 700 रुपये और कह रहे थे ये बहुत अच्छा है, नॉनस्टिक नॉन स्टिक से भी अच्छी क्वालिटी का। सिंपल सा और झटपट नाश्ता जो है वो मैंने रेडी कर लिया है और बिल्कुल सिंपल नाश्ता हम करते हैं, ज़्यादा कोई नहीं थे। और अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो चुका है और नाश्ते के बर्तन ये पड़े हैं, इनको मैं धोऊंगी। उससे पहले हम क्या काम करेंगे, उससे पहले जी हम घर साफ़ करेंगे साथ साथ, क्योंकि लाइट आ गई है और लाइट यहाँ पे फिक्स टाइम पे नहीं रहती है। तो ये वैक्यूम को भी मैंने साफ़ कर लिया है और मेरा वैक्यूम है ये जी 2200 वॉट का ये वैक्यूम है और ये GNE का है। और साथ साथ ये जो चीज़ें बिखरी हुई हैं वो साफ मेटूंगी। और ये मेरा बेड है, यहाँ पर मैंने लैपटॉप में थोड़ा सा काम किया, मेरा दूसरा फ़ोन है। अच्छा ये जो बेड शीट है ना मेरे पास दो एक हैं नहीं, लेकिन उनको मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि जो मेरा मैट्रेस है ना वो ख़राब हो चुका है, 2 साल हुए हैं इसको लिए हुए, ख़राब हो चुका है। और ये भी है भी मास्टर का और ये स्प्रिंग वाला है, तो इसकी जो स्प्रिंग की जो है ना वो स्प्रिंग ख़राब हो चुके हैं, तो इसको भी हमें रिप्लेस करना है क्योंकि इसकी वारंटी हमारे पास थी। तो ये रिप्लेस हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलें जी पहले वैक्यूम कर लेते हैं क्योंकि लाइट का कुछ भी नहीं पता। ये मेरा ऑयल है जो मैंने भी बालों पे लगाना है क्योंकि मेरे बाल बहुत फ्रीजी हो गए थे। मिरर मैंने रख लिया है, उसके बाद मैंने ये देखी जी टमाटर लिए हैं, मंगवाए हैं, ये है जी एक धड़ी जिसका मैंने बना कर बनाया है टमाटो पेस्ट, क्योंकि टमाटो पेस्ट अच्छा होता है, जल्दी खाना बन जाता है और अभी तो टमाटर भी सस्ते हैं तो आप भी मंगवा के रख लें। और टमाटो पेस्ट की वीडियो मैं अलग बना के अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे डालूँगी तो ज़रूर देखिएगा। टमाटो की प्यूरी तैयार होने के लिए मैंने रख दी है देखचे में, माशाल्लाह से बड़े देखचे में जो कर भी गई, जहर सी बात है गिर गया तो था क्योंकि एक हाथ से चम्मच था एक हाथ में मोबाइल था तो गिर गई। दूसरी तरफ मैंने ये मेरे चमचों का स्टैंड जो है वो स्टील नवा है और ये बहुत गंदा हो गया था तो मैंने इसको गर्म पानी और थोड़ा सा डिश वॉशर में डाल के रखा है और थोड़ी देर बाद मैं इसमें सोडा डाल दूँगी ताकि जो गंद है वो खुद बहुत उतर जाए। साथ ही बर्तन दोबारा जमा हो चुके हैं और कचरा वगैरह हो चुका है और ये तो अब भूख भी टाइट लगी है और इसको वॉश करना है, पहले वॉश करूँगी फिर नेक्स्ट वीक काम करूँगी। ये मुझे खाऊंगी अचार है और पुलाव है चिकन, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तकरीबन टाइम हो रहा है 5 बजे, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ये सफाई हो गई है, वैक्यूम मारा गया, डस्टिंग थोड़ी सी रह गई है और काफ़ी हद तक जी वैक्यूम तो कंप्लीट हो चुका है और इसके अलावा वॉशरूम भी धुल चुका है अच्छी तरह। और टाइम क्या हो रहा है, टाइम तकरीबन हो रहे हैं 7:45, बल्कि 7:10 रहे हैं। कहने को ये आसान सा काम है कि सफाई करना और ओवरऑल काम करना, लेकिन झटपट नहीं होता, जितना वीडियो झटपट आपकी चेंज हो जाती है उस तरह नहीं होता, कंप्लीट जी काम करना पड़ता है। और किचन भी ओवरऑल थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब तक जी टमाटो पेस्ट जो है वो रेडी हो रहा है और अब तक नहीं हुआ क्योंकि माशाल्लाह से ये 4 किलो के करीब था। और यहाँ पे मेरी एक चीज़ बन रही है बालों के लिए, तो शैम्पू बनाने की कोशिश कर रही हूँ ऐसा कि जो मेरे बालों को ज़्यादा डैमेज ना करे। और ये अमल जो है प्रोसेस में है,
अगर इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बर्तन जी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है, धुल चुके हैं, लेकिन अभी भी खाना पकाना रहता है, आटा गूंदना रहता है और थोड़े कपड़े वगैरह प्रेस भी करने रहते हैं। तो इसके अलावा मैंने सोचा था कि आज और क्या करूँगी। ये जी मेरी अलमारी है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है क्योंकि मैंने इसे काफ़ी दिनों तक सेट नहीं किया, करती रहती हूँ बीच में, लेकिन कुछ मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि इन्हें इसे मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा था कि आज इसको भी ऑर्गेनाइज करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिला और यकीन करें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अपने के लिए टमाटर पेस्ट काफ़ी हद तक जी तैयार हो चुका है, थोड़ा सा और पकेगा तो गाढ़ा हो जाएगा। अचानक ही जी फैमिली का प्रोग्राम बना के बाहर जाना है क्योंकि मेरी एक जो नंद है वो लड़ाई में रहती है, उसने कल जाना था, तो इसलिए हम सारे काम पाम छोड़ के मैं चली गई जी आउटिंग के लिए। और क्वेटा में इस टाइम जी लाइट लाइट से बारिश हो रही थी और इस पास डिश को भी हमें इंजॉय करना था और साथ से जी आउटिंग वगैरह भी हो जाती और साथ हमें कोई रिफ्रेशमेंट भी लेना था क्योंकि खाना हमने खाया नहीं था। और हम पहुंच गए जी एक मकामी होटल में जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली आ गई थी और एज यूजल यहाँ पे सिटिंग का ही बंदोबस्त था, तो हम आराम से सुकून से नीचे बैठे और फिर हमने ऑर्डर दिया। ऑर्डर में हमने ऑर्डर में मंगाया जी पराठे, चाय और इसके अलावा जो पराठे थे वो आलू के पराठे भी थे, अंडा पराठा भी था और सिंपल पराठा और आमलेट भी थे, यानी कि जिसने जो दिल किया उसके साथ जी चाय। इस मौसम में चाय ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम सब ने मिलके एंजॉय वगैरह किया, जिसका जो दिल कर रहा था वो इजी पीजी होके खाना शाना खा रहा था और एंजॉय कर रहा था मौसम को। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा यख थी, मौसम देख सकते हैं बादल जो है वो बहुत ज़्यादा आए हुए थे। और ये जो सामने फैमिली नज़र आई है कराची की फैमिली है, ये इसको क्या कि इस वेदर को बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि इन्हें रास्ते में ये बड़ा सा नारा नज़र नहीं आया जिसकी वजह से उनकी जो चप्पल वगैरह थी वो इसमें चली गई, लेकिन उनको मिल नहीं रही थी क्योंकि एक बंदा इसका पाँव जो इसमें फिसल गया था इस बड़े से में, लेकिन मिल भी गया था, बहुत मुश्किलों से मिला था लेकिन मिल गया था। कैसे मिला था ये तो मैं आपको नहीं बताऊँगी। और उसके बाद जी हम घर पहुँचे तो हमने लूडो खेला और लूडो हम डेली खेलते थे जब तक मेरी जो नंद है ना छोटी वाली वो यहाँ पे थी, तो फिर हमने लूडो खेला और अभी मेरी जो है गीटी पुकने वाली थी। और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो मेक श्योर आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो तो इजाज़त है, अल्लाह हाफिज।